हल्दी घाटी म्यूजियम, यह एक निजी संस्था द्वारा चलाया गया प्राइवेट म्यूजियम है। इस म्यूजियम के संस्थापक मुगल सेना 18 जून 1576 ईस्वी को प्रातः सूर्योदय के साथ निर्माण की राजधानी गोंदा की तरफ आगे बढ़ने लगे तो उन पर महाराणा प्रताप की सेनाओं ने आक्रमण किया और उनसे गोविंदा पद्धति से युद्ध किया। महाराणा प्रताप की सेनाओं ने मुगल सेना को यहाँ से कुछ घंटे का पहला युद्ध हुआ, सैनिक मारे गए और वहां पर कड़ी हुई ग्वालियर का एक पूरा राज परिवार जिसमें राजा राम शाह कंवर और उनके दोनों पुत्र थे बगीचा बनाया हुआ है और जो इस युद्ध में शहीद हुए आप जब सक्षम जी जान से जुट गए। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी और खंगोर के मध्य एक मैदान में ऐतिहासिक युद्ध हुआ जो बाद में रक्त कलाई के नाम से जाना गया। महाराणा प्रताप की सेना गोगुंदा से हल्दी घाटी पहुंची जबकि सेनापति मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने हल्दी घाटी के ठीक नीचे मैदान में अपना मोर्चा जमाया। प्रताप के हरावल सैन्य दलों का नेतृत्व उनके नेतृत्व में भील आदिवासियों ने गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करते हुए के छक्के छुड़ा दिए। देखते ही देखते शाही सेना में खलबली मच गई। रक्त तलाई, घोड़ों के टापों, हाथियों की चंगारों और तलवारों की झनकारों से गूंज उठी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। युद्ध का घटनाक्रम अचानक उस समय बदल गया जब प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मानसिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर वार किया। मानसिंह हौदे में दुबक गया। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। इस स्थिति को भांपकर महाराणा प्रताप के हमशक्ल सेनापति झालामान ने महाराणा प्रताप से आज्ञा लेकर उनका राज मुकुट धारण किया। मुगल सेना झालामान को महाराणा प्रताप समझकर उन पर टूट पड़ी। महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए वनवासी जीवन व्यतीत करने लगे। उनके पास पर्याप्त संपत्ति नहीं थी तो उनके वित्त मंत्री भामाशाह ने अपनी सारी सुख सुविधा को छोड़कर अपने राजा को स्वयं का धन 25 लाख रुपए व राजकोष में 20,000 अशक्तियां देश के लिए अर्पित की। अब आप सब इस किले का प्राचीन नाम मच्छिंद्रगढ़ है। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभ ने करवाया था। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कृपया अब आप सब की प्राचीन राजधानी चित्तौड़गढ़ का है। इसी किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्राताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी जिसे हम जौहर कहते हैं। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता भोजन के पात्र होंगे जमीन ही बिछाना होगा।
जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस माँ का नाम पन्नाधाय था। हाँ, अजमेर का सूबेदार था। जब वो शेरपुर पहुंचा तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में थगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से लूटा हुआ माल व अब्दुल रहीम खान खाना, जिसकी बेगम आनी खान को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया। तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और नाला करता है।